और अश्विनी जी एक माता का फोटो देके इनका वेलकम स्वागत कर जी पर सदा नहीं जा रहा क्योंकि टाइम की बड़ी छाट है कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी जय घोष का नारा लड़ा बाबा दोनों बाबा खड़िया करके जय घोष का नारा लड़ा मुठ्ठी बंद करके भारतीय जनता पार्टी क्या है ऐसी बहन को परिवार की मुखिया को 18,000 रुपया हर साल दिए जाएंगे उसके अकाउंट में दिए जाएंगे उसके खाते में दिए जाएंगे। आप बताओ मेरी बहनों बहन को मजबूर होना चाहिए क्या? अरे जोर से बताओ होना चाहिए क्या? जरूरत पड़े तो बहन के पास पैसे हो उसकी आंखों में आंसू ना हो उसके होंठों पर मुस्कुराहट हो। हमने लाडली बहना योजना बनाई भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है महाराष्ट्र में लाडकी बहना योजना चल रही है छत्तीसगढ़ में योजना चल रही है उड़ीसा में योजना चल रही है। बीजेपी का संकल्प है बहनों को मजबूत करना आर्थिक रूप से और वो हम पूरा करके रहेंगे। और एक बात और अपनी अपनी बहनों से मैं कहना चाहता हूं मेरी बहनों एक काम और हम करेंगे ध्यान से सुनना। बताओ किसी बहन को गरीब रहना चाहिए क्या? जोर से बोलो बहनों गरीब रहना चाहिए क्या? हर बहन को लखपति बनाना है ये मैं मजाक नहीं कर रहा ये नरेंद्र मोदी का संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और लखपति का मतलब साल में उसकी आमदनी घर का काम काज करते हुए कम से कम 1,00,000 रुपया होना चाहिए मतलब 10,000 रुपया से ज्यादा। और इस विभाग का मंत्री मैं केवल कृषि मंत्री नहीं हूँ डॉक्टर साहब मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूँ। ये लाडली जो लखपति दीदी योजना है वो भी करना प्रधानमंत्री ने वो काम भी मुझे ही सौंपा है। मैं बहनों अरनिया वाली बहनों आपको विश्वास दिलाता हूँ सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो बहन काम करना चाहेगी हर एक की आमदनी 1,00,000 रुपया साल से ज्यादा की जाएगी। लखपति दीदी मेरी बहनें बने उनके हाथ में आर्थिक ताकत आए। जब मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हमने लाडली बहना योजना बना के पैसे डाले तो मैंने बहनों से पूछा बताओ तुम्हारे खाते में पैसे आ रहे हैं तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव आया? तो बहने बोली भैया घर में इज्जत बढ़ गई है अब तो सासू माँ भी बड़े प्यार से बोलती है बहू कैसी हो रोटी में घी लगा लो पैसा तो आ रहे। और कहने लगे आजकल तो हमारे साथ भी बहुत अच्छे बोलते हैं कहते हैं पप्पू की मम्मी पैसा आगे की नहीं आए लेकिन उनको देना नहीं है क्योंकि बहनों का पैसा आता है तो वो परिवार के कल्याण पर खर्चा करती है। मैं भाइयों की गारंटी नहीं ले सकता पैसा है तो कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर बहने कभी नहीं कर सकती। आर्थिक रूप से मेरी बहनें सशक्त हो और आगे बढ़े ये लक्ष्य। और एक बात और अरण्या राजीव जी अश्विनी जी मैं मंत्री हूं ग्रामीण विकास एक काम और है मेरा जिनके पास कच्चे मकान है उनके पक्के घर बन जाए। बोलो बताओ सबके पास पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं? तो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाइए यहाँ हमारी सरकार फ्री में घर के लिए जमीन देगी और उस जमीन पर मकान बनवा के नरेंद्र मोदी जाएंगे बीजेपी की सरकार देगी। हमको जिंदगी बदलनी है आपने जिंदगी मेरे भांजे भांजियों हमारा संकल्प है रोजगार। रोजगार बड़ा मुद्दा है वैसे जब से मोदी जी आए कश्मीर में एक बार फिर से विकास की बयार बही है एक बार फिर से टूरिज्म उद्योग फल रहा है फूल रहा है कई रोजगार मिल रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं करता लेकिन आज मैं आपसे ये कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए 5,00,000 सरकारी नौकरियां हम अपने बच्चों को देंगे। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में हम कैबिनेट हमारा ये फैसला करेगी 5,00,000 नौकरियों कैलेंडर बना के कि किस महीने कौन सी नौकरी देंगे ताकि जम्मू के भी मेरे बेटा बेटियों को रोजगार मिल सके शासकीय सेवा में उनको स्थान मिल सके हमारे बच्चे ढंग से पढ़ पाए। मुझे बच्चे मामा
इसलिए कहते थे कि बच्चों के कल्याण के कई काम किए। जैसे एक काम हम करते थे कि बच्चों को ग्यारहवीं जब वो आ जाते हैं ग्यारहवीं में तो उनको लैपटॉप की जरूरत पड़ती है। जब वो दूसरे बच्चों को देखते हैं लैपटॉप खेलने के लिए नहीं, लैपटॉप फिल्म देखने के लिए नहीं, लैपटॉप